एक मिनट। ओके सो अभी हम साइट पे जा रहे हैं, DSS डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की साइट है। पहले भी मैं गया था लेकिन तब रेलवे और ब्रिज का देखने गया था। अभी जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो वहाँ पर हम जाएंगे। कैसे वहाँ पर मेंबर होते स्टील के वो देखेंगे। और एक सबसे वहाँ पर जाने से पहले एक टेप रख ली। दोस्तों तो मैं यशवीत का, जैसे आपको पता है, मैं मेरे दोस्त के साथ यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन के लिए आया था। तो यहाँ पर RM इंडस्ट्रीज़ है, तो हम जानते हैं कि इसका जो स्ट्रट है, बीम है, यहाँ पर एक क्रेन इनेबल, इसका कैसे यहाँ पर साइज भी है और कैसे इसको फिट कर। तो जब बात स्टील स्ट्रक्चर की आती है तो सबसे पहले आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, कौन से टाइप के होते हैं कौन से नहीं। तो ये जो है अभी आप देखेंगे, ये जो है ये है सर्कुलर सेक्शंस, ये एंगुलर है, एंगल सेक्शंस कहेंगे आप इसको, और ये सॉलिड रेक्टेंगुलर है। फिर जो है यहाँ पर फिर से वही एंगल है, और एंगल के बारे में कि ये पतले भी होते छोटे भी होते, और काफ़ी आप सॉलिड जो है बड़े बड़े भी ले सकते हैं। ये फिर से एक रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, जैसे रेक्टेंगुलर में हॉलो भी आता है अभी आपने देखा। फिर ये सॉलिड सर्कुलर, ये फिर से ये सॉलिड रेक्टेंगुलर है और पहले गया वो सॉलिड सर्कुलर। ये सी चैनल है जो सी की तरह होते हैं। जनरली इसका कैसे नाम दिया गया है, जैसे उसका शेप है उसके अनुसार उसको नाम दिया गया है। ये एक एंगल सेक्शन है फेस टू फेस। और यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस है टोटली 1 फुट है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ऐसे यहाँ पर 17 स्ट्रिप लगाए गए हैं, तो यहाँ पर 17 फुट आप लगभग मान के चलिए इसकी पूरी हाइट है। और नीचे आप देखिए यहाँ पर, तो ये अगर आप यहाँ पर थोड़ा जूम इन करेंगे, इसे कहते हैं बेस प्लेट। और बेस प्लेट का काम क्या है कि देखिए, जब आप कोई लोड कैरिंग कॉलम है वो अगर हम डायरेक्टली अगर अप्लाई कर देते हैं किसी ग्राउंड स्ट्राटा पे, तो वो किन्हीं पेनिट्रेट करेंगे जैसे कि एक सुई सुई के जैसे, और वो डायरेक्टली फेल हो जाएगा। तो जो लोड है वो थोड़ा ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो वो पेनिट्रेशन है कॉलम का वो हो ना, इसीलिए हम ये बेस प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते हो। इसके अंदर आपने यहाँ पर देखा होगा बोल्ट भी है, तो ये बोल्ट भी हम प्रोवाइड करते हो। और ये बोल्ट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका मैं यहाँ पर एक फ़ोटो डालता हूँ। इस तरह से ये पूरा इसके अंदर जा चुका है, और इस तरह से इसको स्टेबिलिटी और प्रोवाइड ये एक करते हो। और ये कंक्रीट ब्लॉक है, और इसका भी यूज़ सिमिलरली बेस प्लेट की तरह ही है। बेस प्लेट हम वाइडर एरिया पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो ब्लॉक है ये भी सिमिलर है कि जो लोड आ रहा है उसको और ज़्यादा वाइडर। क्या होता है जब कॉलम है वो अगर छोटा हो तो वो उसके लिए हम बेस प्लेट ही देते हैं, अगर कॉलम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हम उसको कंक्रीट ब्लॉक भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स है, ये स्टिफनर्स है, और स्टिफनर का भी काम वही है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक अच्छे से, जो भी लोड आता है एक इक्वल डिस्टेंस पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। ये आई सेक्शन था, आई सेक्शन ये वो 150/80 × 6 mm का था। और ये जो प्लेट देख रहे हैं आप स्टिफनर की, ये है 1 फीट बाय मतलब तकरीबन 12 इंचेस की होंगी। बॉटम पर लगाया गया है ताकि ये स्टेबल रहे नीचे से अगर ज़्यादा लोड आता है तो। और इसकी भी थिकनेस और हमने मेज़रमेंट किया है, ये जो है एक पूरा 1 फुट है। और इसकी जो विड्थ है ये भी आपको मैं दिखा दूंगा। अभी मेरे को ये पूरा जो इसका मेज़रमेंट है ये याद नहीं आ रहा, तो इस तरह से ये होता है। देखिए आप जब साइट पे विज़िट करते तो यही इम्पोर्टेंट होता है, जो आप बुक में देखते हो तो वो कॉन्सेप्ट आप जब साइट पे देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। और एक ये मूवेबल क्रेन है, इसका हमें सर ने दिखाया था, तब मुझे समझ नहीं था, लेकिन अभी मुझे ये समझ आया कि ये क्या है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये जो इसकी बॉटम विड्थ काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर थोड़ा सा ये कम हुए, तो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए ये भी वही है प्लेट, इसको भी नीचे से सपोर्ट दिया गया है, और इसको भी सेम तरह से इसका जो डेप्थ है ये काफ़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस पर वेट भी वैसे ही आ रहा है और ये एक्चुअली मूविंग भी है। तो फिर इसका एक बॉटम बहुत ज़्यादा मजबूत रहना चाहिए। इसका एक सिलेंडर रेस रेशियो करके कंसेप्ट है, वो हमें सर ने पढ़ाया था। और फिर बाद में ये देखिए, ये फिर से एक यहाँ पर सी चैनल है, चैनल सेक्शन, इसका भी हमने लिया है मेज़रमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर ये जो है ये लेसिंग है, यहाँ पर लेसिंग मैं थोड़ा लेसिंग और ब्रेसिंग के कंसेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन जल्दी उसका भी कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। और फिर ये जो है ये है इसको, अरे नीचे से यहाँ पर दिया गया तकरीबन हाइट 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 देख, इसकी 1 मिनट में आपको अभी इसकी हाइट बताता हूँ।
ये जो है, नहीं नहीं नीचे से, यहाँ से नीचे से ले, यहाँ से नीचे बॉटम तक के, ये है इसकी हाइट तकरीबन 3 फुट तक आ रही है। और फिर ये लेसिंग है इसके भी, ये जो हाइपोटेनियस है इसकी, इसकी भी मैंने लेंथ ली। और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर इन्होंने वेल्डिंग की है, तो ये ज़रूरी है, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से वेल्डिंग की है। फिर यहाँ पर देखिए, ये जो है आप देख रहे हो, हाँ अभी ये जो है ना, इसके अंदर से आया है, बाहर से नहीं लगाया गया है। यहाँ पर देखिए जो बॉटम्स यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं सी चैनल्स, तो ये यहाँ पर भी एक है और इस साइड से भी एक है, और बीच में एक इन्होंने रेक्टेंगुलर, ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर है, तो इन्होंने ऐसे प्रोवाइड किया। ये फिर इसे यहाँ पर एक एंगल सेक्शन, और यहाँ पर देखिए ये अंदर से आया है। यहाँ पर इन्होंने पहले क्या किया होंगे, यहाँ पर कट किया होगा और फिर ये जो है इसके अंदर डाल के इसको वेल्डिंग किया, तो ये ज़रूरी था समझना। यहाँ पर देखिए, और इस तरह से ये जो है ये बना गया है। फिर इधर देखिए, एक यहाँ पर एक स्पेसिंग प्रोवाइड किया, यहाँ पर एक इसकी स्पेसिंग गिनो, यहाँ पर नीचे से आपने देख लिया कि 3 फुट थी, अभी यहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसी स्पेसिंग प्रोवाइड की है तकरीबन 1.5 फुट, हाँ वो मतलब 17-18 इंच पर। यहाँ पर इन्होंने ऐसा, ये जो है ये देखिए, ये जो है टोटल 1 फुट पर है, और फिर इसमें बीच में भी एक इन्होंने एक मेंबर ऐसा ऐड कर दिया इसके लिए। और ये जो लेसिंग है ना, आप अगर इसको अच्छे से देखोगे तो एक के बाद एक, अगर यहाँ पर पहला मेंबर है तो दूसरा उधर से, इधर से ही दोनों नहीं है, एक इधर से फिर एक उधर से, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अच्छे समझें, जो लेसिंग है ना ये इधर से एक है और फिर इधर से एक है, ये देखिए ये जो नीचे से ऐसे जा रहा है, फिर उधर से वो इधर आ रहा है, इधर से भी उधर जा रहा है, फिर उधर से जो है वो इधर आ रहा है। आप अगर इसको थोड़ा समझ पा रहे होंगे तो देखिए ऐसा क्रॉस बनाया है, इधर से ऊपर जा रहा है फिर उधर से ऊपर जा रहा है, और इस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। मूवेबल क्रेन का बेस्ट पार्ट लगा इसका जो ट्रस है, हुए ट्रस है, और इसका जो ऊपर इसका जो फुट है पूरा, ये है 7 फुट, बताओ ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया है, तो इसका नीचे से ऊपर की जो हाइट है ना वो 20 फुट है, वहाँ पर जो थी वो 17 फुट थी, यहाँ पर ये 20 है, और फिर जो ट्रस है उसकी 7 फुट है, तो ये टोटल 27 फुट की हाइट ली है इन्होंने। और ये जो है ये प्रिंसिपल राफ्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल राफ्टर, फिर स्ट्रस स्ट्रट, फिर टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड, और वहाँ पर एक बीच में आप देख रहे होंगे बड़ा सा, वो है अपनी गसेट प्लेट। यहाँ पर मुझे क्राइंग एक्शन होती है एक, इसमें वो प्लेट जो है नीचे, मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखा था, वो वैसे दिखी नहीं, तो वो एक है। और ये जो है एक सी चैनल एंगल सेक्शन है कॉलम का, ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पर इसका भी। अगर आप ये, यहाँ पर मैं कह रहा था ये जो है वो बीम है, बीम के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही इन्होंने इसकी फिक्सिंग की है। और ये जो है अपना, इसको क्या कहते हैं, कॉलम, ये जो है ये बेस्ट डिज़ाइन है यहाँ तक की अब की मैंने देखी हुई। इसका मैं अभी फिर से एनालिसिस करूँगा अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ ज़्यादा गलत हो जाए इसमें, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं इसका। ये अपना एंगल सेक्शन ही यहाँ पर, मतलब जनरली क्या हो रहा है कि जो फ्लैट्स यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने हर जगह एंगल सेक्शन यूज़ किए, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल सेक्शन यहाँ पर यूज़ किए गए। ओके ठीक है, तो ये ऐसा है ऊपर तक 20 फुट। ओके, और इसका मैं आपको डायमेंशंस जो भी है वो बता दूंगा। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा दिया है, यहाँ पर पूरी वेल्डिंग है, यहाँ पर भी देख सकते हैं वेल्डिंग है, फिर यहाँ पर भी वेल्डिंग है, और यहाँ पर भी वेल्डिंग है, तो इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन की है यहाँ पर एक। और इसका बाकी का जो डिटेल है मैं बताता हूँ आपको, मेरा दोस्त अभी जाने को कह रहा है, तो चलिए मिलते हैं। इधर से वो रूफिंग के लिए है, थोड़ा उधर उन्होंने स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, उधर देखिए। और इधर क्या जो है ना, इधर से लेके यहाँ तक के ऐसा जो है, इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल डिस्टेंस पर लिन का, तो ये तकरीबन है 60 फुट का है। और बाकी तो बस यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही, चलिए थैंक यू।